मौत तक नहीं कहा। यहाँ जब मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से आके लोगों को लगता है कि चलो अब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जाएंगे, लगे हाथ मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से फिर चुनाव प्रचार में लगते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं, मणिपुर नहीं जाना है। कांग्रेस के समर्थन में नहीं पर भाजपा ने जो किया, जिस तरह से सदस्यता रद्द की, जिस तरह से लगातार एक अटैक है, इसमें तो हम साथ हैं, क्योंकि ये लगातार स्टेट रिप्रेशन है, स्टेट का जो ब्रूटल पावर का इस्तेमाल है, जो ब्रूटल अटैक है, तो इसमें तो बिल्कुल उसमें समर्थन हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आ करके, लेकिन हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि वो जवाब देंगे नहीं या तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। राजनीति करते हैं तो कर कौन रहा है? पुलिस की नजर में फरार है वो। वही बात है, पुलिस की नजर में फरार है, लेकिन आरएसएस बीजेपी और बजरंग दल के कार्यक्रम में नेता बना हुआ है। तो असल में एक भीड़ तैयार की गई है और वो कोई रैंडम भीड़ नहीं है। सवाल तो उस भीड़ को पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको बचाने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खड़ी है। लेकिन एक बात आता है कि उनके जो बच्चे, नेताओं के बच्चे तो विदेश में डिग्री हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ चंद रुपए के लेकर भीड़ में तब्दील हो गए हैं, और वही देखिए ना, ऐसे लोगों को नेताओं को अपने बच्चों के लिए लोकतंत्र चाहिए। वो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ अगर लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हो जाए, वहाँ अगर अल्पसंख्यकों को टारगेट करना लोग शुरू कर दे, तब तो ये रोने लगेंगे। अपने बच्चों के लिए ठीक चाहिए शिक्षा, वहाँ ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि किसी ऋषि बंधुओं ने कर दिया था, वहाँ सही पढ़ाई पढ़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको आप नफरत की आंधी में झोंक रहे हैं, अज्ञानता में उसको ढकेल रहे हैं। तो ये भाजपा जो है, असल में इनका जो मेन काम था वो था लोकल इलाकों में शाखा चलाना। तो शाखा चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप देश चलाने के लिए दे देंगे तो वही हो रहा है। मणिपुर तबाह हो रहा है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है, उधर तमिलनाडु पे हमला हो रहा है, इससे पहले कश्मीर में हुआ, बिहार में हो रहा है, झारखंड में, सब राज्य को तो परेशान करके रखे हुए हैं लोग। इस तरीके से उस सिपाही ने चार लोगों को मारा, चुन चुन के मारा, उसके लिबास से पहचान, क्या प्रधानमंत्री का जो बयान था कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, क्या वो वही वो एकदम है, वो एकदम यही है। प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं, उनका जो पीछे पूरा टीम बना हुआ है वो एजेंडा बनाता है कि किस इलाके में कैसे दंगा करवा देना है। अच्छा, उस इलाके में वोट घट रहा है, वहाँ पोलराइज कर दो। तो असल राजनीति, लोग कहते हैं कि बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, असल में इनका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। अगर जनता सत्ता के लिए नहीं करते, आप समझिए मणिपुर 3 मई से सुलग रहा है। मणिपुर में ये व्यक्ति एक बार गया नहीं, मणिपुर का मत तक नहीं कहा। यहाँ जब मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से आके लोगों को लगता है कि चलो अब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जाएंगे, लगे हाथ मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से फिर चुनाव प्रचार में लगते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं, मणिपुर नहीं जाना है। और मणिपुर पर इतना समय के बाद एक बयान भी दिया तो उसको मैनेज करके कि मणिपुर में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश, ये कोई बात है? सब जगह कर रही थी मणिपुर के लोगों के साथ, लेकिन अब तो मणिपुर के बारे में एक लफ्ज आवाज संसद भवन में नहीं उठा रहे। संसद में जो स्मृति ईरानी ने किया वो तो मान के चल रही है कि भाई संसद भवन जो है वो कोई टीवी का सीरियल चल रहा है, ड्रामा करना है, असल मुद्दों पर बात नहीं करनी है। तो स्मृति ईरानी तो ड्रामेबाज ही है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कहाँ चर्चा करने के लिए तैयार है? कहे नहीं प्रधानमंत्री अंदर आ रहे हैं है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब ये लोग तो चाहते हैं कि मणिपुर पे बात ही ना हो। सच बात ये है, मणिपुर पे बात होगी लेकिन राजस्थान पे भी बात होगी। अरे राजस्थान में जो एबीवीपी के लोगों ने किया, जो बलात्कार किया, तो राजस्थान ने उनको जेल में डाल दिया सरकार ने। तो जो राजस्थान में हुआ वही मणिपुर नहीं है, जो बिहार में हुआ वही मणिपुर में नहीं हुआ। मणिपुर में सुनियोजित तरीके से 2 महीना 2.5 महीना तक उस राज्य को जलने दिया गया, एक तबके के अंदर लंबे समय से प्रयास करके नफरत बोलाया गया और उसको उकसा करके महिला को इस तरह से वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जब अतीक अहमद का भी मर्डर होता है पुलिस कस्टडी में, वहाँ भी वो लोग जो अपराधी होते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, यहाँ एक जैसे दिखती है। आप लोग खुद जब कह रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जय श्री राम का कोई मामला इनके लिए धार्मिक मामला नहीं है, वो उन्माद का मामला इनके लिए हो चुका है। अगर वो मुसलमान है, अपराधी है, तो गोली मार दीजिए। अगर वो बीजेपी का व्यक्ति रहता, अपराधी रहता, देखिए जो सांसद हैं
ब्रजभूषण सिंह, क्या हुआ इनके ऊपर आज तक? इतना ओलंपिक जीतने वाली महिलाओं का ने आरोप का आरोप है, उन्होंने डिटेल बता दिया, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो जो उस तरह के लोग होंगे वो बाहुबली बन के घूम रहे हैं, लेकिन अगर वो मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति रहेगा तो घर तोड़ दीजिए बुलडोजर से, या पुलिस कस्टडी में गोली मरवा दीजिए। तो वही हम कह रहे हैं कि इनको देश चलाने का कोई मतलब नहीं है। देश में कोई काम हो रहा है जी, खाली प्रचार हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल कि जो इंडिया बना है आप लोगों का गठबंधन, वो मोदी जी कह रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया का मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए खौफ, ये तो खौफ ना उनके अंदर आ गया। अब इनको लग रहा है कि इंडिया नाम से ही, अब इनके जो नेता हैं वो इतना नाम से इंडिया हटा रहे हैं, ट्विटर चैनल से इंडिया हटा ले रहे हैं, लेकिन जितना योजना इन लोगों ने बनाया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब में इंडिया लगा हुआ है। अभी तो असल में डर गए, इनको लग रहा था कि हम नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को पीटते रहेंगे, किसानों के साथ तबाही मचाते रहेंगे, मजदूरों के साथ कुछ कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, और चुनाव जब आएगा तो विपक्ष बटा रहेगा, हम चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ तब इनके अंदर खौफ आया, और चूंकि ये सत्ता पार्टी है, भारतीय सत्ता पार्टी है, तो सत्ता जाने का जो खौफ है, अलर बलर कर रहे हैं। लेकिन वो सब भी चलेगा नहीं, चाहे कतनों करब माई माई, अब की सरकार बच ना पाई। हाँ, सच्चाई आज के लिए इनके लिए। ये शोषण का पोषण कब तक, क्योंकि आप युवा हैं और अब महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अब महिला चाहती हैं कि सरकार बदले, क्योंकि जिन महिलाओं से मैं बात कर रहा हूँ उनका कहना ये है कि बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात तो करती है लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाती है। क्या लगता है ये शोषण का पोषण कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल ये चलता रहेगा, पर मैं यही कह रही हूँ इसके खिलाफ जो विरोध है, इसके खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं, आंदोलन बड़ा हो रहा है और किसान भी बहुत टाइम तक बैठे थे, हो ही सकता समय लगे, पर हम लोग एकदम दृढ़ निश्चय के साथ लग गए हैं कि अब मोदी सरकार को नहीं आने देना। हमें जितनी कोशिश करनी है, हम यूनिवर्सिटी में, कैंपसेस में, गाँव में, शहर में, हमें जहाँ ये आंदोलन ले जाना होगा, जहाँ ये बात ले जानी होगी, हम कोशिश करेंगे। आपके बीच राहुल गांधी पहुँचे थे, चर्चा की थी, मुखर्जी नगर पहुँचे, वहाँ बातचीत की, क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या कुछ युवाओं के लिए सोचते हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद देखा जाए तो संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया, यानी कि जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष कमज़ोर है या फिर तानाशाही मजबूत है? बिल्कुल एक दौर में, एक लंबे समय से कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की है, बिल्कुल ठीक बात है, पर भारत जोड़ो उन्होंने कोशिश की। मुझे यही लग रहा है एक लंबे टाइम से सोया हुआ था कांग्रेस, जो कि बेकार ही बात है। आप देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन हैं, आपको ये ज़रूरत ही नहीं फील हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील हो रही है। मोदी को आने देने में एक बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस का, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं, लीडर्स नहीं हैं, अंदर का इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना इतना गुट बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं ही, पर कांग्रेस के समर्थन में नहीं, पर भाजपा ने जो किया, जिस तरह से सदस्यता रद्द की, जिस तरह से लगातार एक अटैक है, इसमें तो हम साथ हैं, क्योंकि ये लगातार स्टेट रिप्रेशन है, स्टेट का जो ब्रूटल पावर का इस्तेमाल है, जो ब्रूटल अटैक है, तो इसमें तो बिल्कुल उसमें समर्थन, और हम देख रहे हैं इस दौर में इंडिया जैसा एक ऑपोजिशन का एक अलायंस, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी है इस दौर में, सबसे ज़रूरी है अपने आपसी मतभेद को भूलकर भाजपा को हराना। इंडिया अलायंस की बात की, लेकिन इंडिया अलायंस को जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, यानी कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है या भ्रष्टाचार को खत्म करने का सम्मेलन है? बिल्कुल भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन एकदम नहीं है, वो सरकार तो कुछ बोलने लायक नहीं है, जो सरकार रेपिस्टों की है, जो सरकार खुद भ्रष्टाचारियों की है। ब्रिजभूषण पे खाली रेप केसेस नहीं है, एक तो माइनर का रेप किया उसने, खाली रेप का बात नहीं है, इतना बड़ा करप्शन किया उसने, इतने सारे मर्डर्स किए हैं, आप उस व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्किस बानो का जो रेप हुआ, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट उनको बेल दे देती है, बेल खाली बेल की बात नहीं है, वो गुंडे बाहर निकलते हैं और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, तो सामने है कि कौन है गुंडों की सरकार, कौन है रेपिस्टों की और कौन है करप्शन की सरकार। तो क्या लगता है आपको कि हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? लोकतांत्रिक हमारा देश है, संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोग जो हैं वो भी शांत हो जाते हैं, सवाल तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही उठाए गए। क्या आपको लगता है कि भारत देश सच में खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, और भारत की जो बहुत सारा डाइवर्सिटी है, भारत में जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया, उसमें भी एक बहुत सशक्त रूप से युवा थे, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी
तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों ने भागीदारी ली। तो इसी तरह से इस समय की भी ज़रूरत है कि युवा, क्योंकि एक लंबे टाइम से सीए में हमने देखा देश का सबसे बड़ा अगर कोई ऑपोजिशन है युवक है ना, तो इसी तरह से युवा तमाम वंचित तबकों तक जाए, तमाम गांव शहर हर जगह जोड़े और बात करें। मुझे लगता है बात करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, क्योंकि फेक न्यूज़ का दौर है, तो लोग वही जो देख रहे हैं वही मान रहे हैं, तो बात से पहल की जाए और बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। आपसे रहेगा कि ईडी सीबीआई को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इन दोनों मसलों को आप कैसे देखते हैं? ये विपक्ष का डर है या फिर सच में आज ईवीएम की बात कर लो, चुनाव आयोग की बात कर लो या फिर ईडी सीबीआई की बात कर लो, ये कठपुतली बन चुकी है? बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल कर रही है भाजपा। जितना पैसा है, आईटी सेल, व्हाट्सएप का जो मैंने बात किया कि जनता तक जो न्यूज़ जा रहा है वो न्यूज़ ही बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में जा रहा है। अगर कहीं रेप होता है तो रेपिस्ट अगर मुस्लिम निकल जाता है तो मुस्लिमों के खिलाफ एकदम एक अभियान शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स है ना, हम हर जगह देखते हैं कि लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उनको डर है कि छापा पड़ जाएगा। हम देखते हैं जहाँ चुनाव होते हैं इनके हाथ में, या इनके हाथ में जुडिशरी है, इनके हाथ में बिल्कुल है चुनाव आयोग, तो जो पावर का खेल है सारा, ये हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, सारा इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, पर इसके बीच से भी आवाज़ें सशक्त हो रही हैं, इंटेंसिफाई हो रही हैं, आंदोलन खड़े हो रहे हैं और टिक रहे हैं। किसान आंदोलन इस चीज़ का जीता जागता सबूत। युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार आप जंतर मंत्र पहुँच चुकी हैं, आप भी एक युवा जो है बेटी, आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आप सभी की आवाज़ को जो है सुनेंगे? आवाज़ को सुनना होता उनको, तो अभी जो हम इससे पहले यहाँ पे पहलवान बेटियाँ बैठी थी, बहनें बैठी थी, उन पे नहीं हुआ, डुगू खड़े हो जाओ, उन पे कोई जवाब नहीं दिया गया अभी उनसे। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आ करके, लेकिन हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि वो जवाब देंगे नहीं या तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। देखो ने अभी ये जो मणिपुर में ये हत्याकांड हुआ है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? आप इस तरीके से बेटी बचाएंगे और इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे कि बीए का जो 3 ईयर्स का था वो 4 ईयर्स कर दिया गया है? इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियाँ? आपने सरकारी स्कूलों में कहीं, जैसे कि अब दिल्ली में ही ज़्यादातर सरकारी स्कूल है, मैं आई हूँ खोड़ा से, ठीक है, खोड़ा की बात करती हूँ, खोड़ा में कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्या इस पे मोदी को काम नहीं करना चाहिए या योगी को काम नहीं करना चाहिए? वहाँ की मुख्यमंत्री योगी है तो उनको इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए? वो काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला। क्या इससे पहले देश नहीं चलता था? क्या इससे पहले देश में इससे ज़्यादा नौकरियाँ थी और इससे ज़्यादा लोग अच्छे से रहते थे और इससे ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे? लेकिन अब लोगों को, अब जो लड़के हैं, जो कुछ बाहर लड़के जो एजुकेटेड है, चलो उनको तो पता चल जाता है, लेकिन इतना इतना धर्म का पट्टी बांध दिया गया है उनकी आँखों पे कि उनको सिर्फ धर्म दिख रहा है। धर्म, मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी मुद्दे में धर्म को मत लाओ, हर इंसान एक इंसान के लिए बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चर्चा कर रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कैसे होगी? खत्म ये तो हमारे मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो शायद नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, अभी 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 इसका केस आया था मणिपुर वाला, लेकिन जो सीमा हैदर वाला इतने दिनों से चल रहा है वो दिखा रहे हैं आप, लेकिन इस चीज़ पे आपने अभी तक ना जवाब दिया है ना इसका जो राय लेना था वो लिया है। जिक्र किया, दो सवाल मैं आपसे करूँगा, क्या सीमा हैदर आपको जासूस लगती हैं? कहा जा रहा है कि वो तो अपने प्यार के लिए सरहद पार करके आ गई। देखो, अगर कोई प्यार करके आता है या किसी भी आता है, लड़की को वो एक लड़की अपनी क्या कहें, उसको एक माइनॉरिटी है, वो अपना कर चुकी है, जो भी उसको करना है वो कर रही है, ठीक है, वो वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से भी तो मीनू हाँ जो यहाँ से अंजू जो यहाँ से गई है, तो क्या हम वहाँ पे पाकिस्तान वाले ये कह के उड़ा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का माफिया है? पाकिस्तान वाले अंजू को जो है प्यार दे रहे हैं, प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर भारत की नागरिकता मांग रही है, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको आप कहे जा रहे हैं, उसको अलग अलग मुद्दों से भटकाया, उसको इतनी तरीकों से मतलब बेइज्जती की जा रही है सोशल मीडिया पर ले जा करके, उसको मतलब उसकी इज्जत को फालूदा कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाले उनको इज्जत ही तो दे रहे हैं ना? तो आप सीमा के समर्थन में हैं, आपको लगता है कि नागरिकता मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। यह सवाल मणिपुर को लेकर रहेगा कि क्या मणिपुर का जो वीडियो आपने देखा, जो जिस तरीके का आया, देश के प्रधानमंत्री शांत हैं, चुप्पी तोड़ेंगे और इस्तीफे की मांग की जा रही है? चाहिए, तोड़ना चाहिए। देखो मोदी जी, मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये लाइन बनाई थी कि ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि
आप यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर आप देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, मेरा साफ कहना ये है। न्याय मिलेगा बेटियों को? न्याय तो लेके रहेंगे ना, अगर आप नहीं देंगे तो आपको जाना होगा। कैसे लेंगे, क्योंकि आप 2024 में जो इलेक्शन आएगा इसमें आपको हटना होगा। 2024 में आप वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने देखा न्याय की आपने बात की, पहलवान खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट यहाँ पर चला, आपने जिक्र भी किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी राजनीति कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? खुलेआम पार्लियामेंट में, वहाँ संसद भवन में बैठे थे, वो उद्घाटन में आए थे। अगर कोई भी लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, या फिर अच्छे घराने से या नीचे घराने से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसने गलती की है और उसको सजा दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी प्रोटेस्ट किया गया एक राजनीति का अखाड़ा था। अपनी इज्जत को उछालेगी रोड पे आकर के, इतना धरना प्रदर्शन करेगी लड़की, ऐसा करेगी, ऐसा ब्रजभूषण कह रहे हैं। तो ऐसे ब्रजभूषण को मुंह पे चाटा मारना चाहिए और उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। ऐसे 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 नेता रहेंगे तो हमारा देश का कल्याण हो गया। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या संदेश देना चाहती है मणिपुर को लेकर? प्रधानमंत्री को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़की के साथ हो रहा है, जो भी जितना भी अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, वरना तो मैंने अभी दो लाइन सुनाई थी कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। गुस्से में हैं, आक्रोश हैं आप प्रधानमंत्री? बिल्कुल क्यों नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ? ऐसे बेटी बचाओ कि वो अगर बस में जाती है तो उनका रेप कर दिया जाता है, अगर वो जॉब पे जा रही है तो उनका रेप कर दिया जाता है। क्यों बेटी? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बेटियां तो सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? बस में किराया फ्री कर दिया, बस में जाती है, बस में आप क्या कहते हैं रेप हो जाता है, जॉब पे जा रही है बेटियां, रास्ते में आप पकड़ के उनको रेप कर देते। ये ऐसे ऐसे बेटियां सुरक्षित है? और ऐसे आप सुरक्षित रखेंगे? ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं है। यानी कि साफ तौर पर आपने देखा कि एक गुस्सा देखने को मिली और ये कहा गया कि यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, जंतर मंतर।